मारिया क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, वहां देख रही हूं। इसे तुम्हें एक पर्सनली सही वाली बात बताऊं, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। बाकी यार खाना बहुत जबरदस्त था। है सच में? सच में। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज जैसे कि छुट्टी का दिन है, मतलब आज संडे नहीं है, आज फ्राइडे है और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आज छुट्टी थी। लेट उठे और लेट इतना उठ गए कि ना अब 1 बज रहा है और इस वक्त जो है वो भी अम्मी ने गालियाँ शालियाँ दे के उठाया कि यार उठ जाओ, क्या सारा दिन सो के गुजारना है। तो अब उठे हैं तो पहले जरा फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और नहाते धोते हैं। यार आगे से 1 हफ्ते से नहीं नहाए तो आंखों का, जैसे कि आप सबको पता है यार, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इस वक्त फैला हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें जो है ना वो खराब हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश सी हो रही है और मतलब चुभन चुभन सी फील हो रही है। तो यार फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर ड्रॉप्स वगैरह भी डालते हैं। तो आप सब भी जो अपना ख्याल रखें यार, केयर करें इस चीज में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसे देखते हैं और चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, पैसे नहीं लगते यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नहा धो के नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके मिलते हैं। जी गाइस, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और खाना शाना खा लिया और नमाज भी पढ़ ली है। तो मैंने सोचा यार अब इस व्लॉग को इधर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे घर जो है एक गेस्ट आए हुए हैं और इन गेस्ट का जो मैं आपको जब मिलवाऊंगा तो शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, क्योंकि मैंने जो रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था वो इन्हीं की वजह से किया था और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था और मैंने जो है वो इनको देखते हुए स्टार्ट किया था। तो मिलवाते हैं आज आपको उस अजीम हस्ती से। तो ये हैं जी जुनैद भाई। कैसे हैं जुनैद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ थोड़ी ज्यादा ही कर दी उमर भाई ने, इतने अच्छे नहीं है ये। नहीं यार, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह आप तारीफ के काबिल हैं जुनैद भाई। वाकई बहुत अच्छे इंसान है और बड़ा पोलाइटली बोलते हैं, हमें बड़ा मजा आता है यार इनके साथ, बिल्कुल भाइयों वाला प्यार हमारा। तो गाइज, मेरे चैनल पे जितने भी रिएक्शन वीडियोस हैं वो आप ये समझे कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ये चैनल, और वो चैनल इन्हीं से मैंने स्टार्ट किया था, इन्हीं से सीख के मैंने स्टार्ट किया था। तो ये वाकई में बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं। जिससे इंसान सीखता है इंसान को उसका जो है हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वाकई हमारे बड़े भाई हैं, हमें इन्होंने बड़ा कुछ सिखाया। लोगों की मोहब्बत है, प्यार है इन लोगों का कि मैं इनके पास आता हूँ और इनसे मिलता हूँ। अभी भी गाइस जो है हमने सेटअप लगाया हुआ है, अभी भी रिएक्शन जो है वीडियोज हम कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा एक छोटा सा जो क्लिप है वो मैं डालूं यार कि हम जो है वो रिएक्शन वीडियोज कैसे बनाते हैं। और ये जी हमारा सेटअप है और आज जुनैद भाई के साथ हम जो है वीडियोज बना रहे हैं, रिएक्शन वीडियोज जो कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है, इनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस है। 2000 years later। तो गाइज इस वक्त जो है खाना शाना खा लिया हमने और जुनैद भाई जो है वो भी चले गए हैं और उनके पास बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। लेकिन आज मेन चीज़ ये है कि आज सुबह से ना मारिया नज़र नहीं आ रही, वो किचन में बिजी है और वो किचन में कुछ कर रही है ऐसा, और वो फर्स्ट टाइम जो है वो किचन में घुसी हुई है और पता नहीं क्या कर रही है। सुनने में ये आया है कि वो कुछ कोई चीज़ आज बना रही है, कोई खाना शाना बना रही है आज और शाम के लिए। अब देखते हैं यार कि वो क्या कर रही है ऐसा, क्योंकि कुछ तजर्बा कर रही है। अब ये ना हो कि कोई तजर्बा उल्टा ही ना पड़ जाए, क्योंकि उसने वो एक्सपेरिमेंट जो करना है वो हम पे करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो उसामा से भी पूछा है मैंने, तो उसामा ने ही मुझे बताया है कि वो आज जो है ना मतलब बिजी हुई है किचन में। तो देखते हैं यार वो क्या कर रही है और उसामा से भी पूछते हैं क्योंकि उसने मुझे ये न्यूज़ सुनाई है। तो उसामा मारिया जो है पता नहीं पर क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कब से लगी हुई है, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर बैठी हुई है और कुछ ना कुछ पकाने लगी हुई है, लेकिन ना मुझे ऊपर आने के लिए दे रही है, ना मुझे बता रही है कि मैं क्या बना रही हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कुछ बना रही है ये पता है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ हमें हजम होनी है कि नहीं होनी यार, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रही है कोई काम। तो देखते हैं कि वो क्या कर रही है, तो चल के पहले देखते हैं। मारिया जो है वो उस वक्त किचन का काम, मारिया क्या कर रही हो? अल्लाह खैर ही करे, तुम आज किचन में घुसी हुई हो, खैर है? हाँ, खाना बना के अभी सारी चाहिए। क्या बनाया आज? शिमला चने के। तो गाइस पहली दफा जो है इसने कुछ किया है और अच्छा जी ये वाओ, शक्ल से तो अच्छी लग रही है। क्या बनाया? बना लिया फाइनली? अब ये खा के पता चलेगा कि भाई वो सही भी बना है कि नहीं सही बना। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी इसने क्या आज जो तजर्बा किया है वो इसी ने किया कि आपने इसकी हेल्प की है? इसी ने किया है और साथ जो चपाती बनाई है इसने। अम्मी आपने झूठ नहीं बोला, आपने इसमें हेल्प की है। नहीं पक्की बात है। मैं इसके पास एक और बात, अगर मारिया यहाँ पे तुम सुन लो मेरी बात,
अगर यहाँ पे टेस्ट का पता चलेगा, क्योंकि अम्मी के टेस्ट का हमें पता है। बिल्कुल वैसे ही बना है जिस तरह मम्मा बनाती हैं, बिल्कुल वैसे तरीके और बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया, और साथ सामने को वैसे ही नुक्स निकालने की, नुक्स निकालने की बात नहीं है। मैं बात यहाँ पे गाइस ये कह रहा हूँ कि अम्मी के टेस्ट का बंदे को पता होता है अम्मी के हाथ का टेस्ट कैसा है। मेहनत लग के बाहर आप देख सकते हैं कि हमारा किचन ऊपर वाले पोर्शन में, और बाहर देखें धूप भी कितनी ज्यादा, जिसकी वजह से धूप नजर नहीं आ रही, रोशनी बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैंने फेस वगैरह वॉश किया, और मारिया की हालत से पता चल रहा है कि उसने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा गर्मी है। मारिया अगर तुमने खाना अच्छा बनाया तो तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा, क्यों नहीं बोल रहे क्या कहते हैं, क्या इनाम देंगे, क्योंकि ये बस हाल ही फिल्में ही चलाते हैं, नाम नुम कोई नहीं देते। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस इस वक्त जो है मारिया ने खाना जो है वो रेडी तो कर ली है, अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है खाना। हाँ जी कैसा है, कैसा नहीं बना, बहुत जबरदस्त बना है, जैसे मैं बनाती कैसे, आपने तो नहीं हेल्प की थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं की, नहीं लेकिन मारिया तुमने बाकी बहुत जबरदस्त बनाया, तुम्हें इसका इनाम भी लास्ट में मिलेगा, उस वक्त का तुम्हें इंतजार करना। हाँ ये बस वो वक्त अभी कभी नहीं आएगा। तो गाइस मारिया का जो खाना है वो अच्छा बना है, लेकिन अम्मी जैसा टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर है, मतलब अच्छा था, और मतलब फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था उसका वो अच्छा रहा, तो मुझे तो पसंद आया, मुझे खुद काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि मारिया ने फर्स्ट टाइम बनाया और बाकी मारिया ने दिल से बनाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदे ने जो चीज बनाई उसमें जरा थोड़ा बंदे को डाउट होता है कि यार चीज अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन मारिया ने बाकी साबित करके दिखाया कि यार अम्मी की मेहनत से मारिया ने काफी ज्यादा अच्छा बनाया। मुझे तो इतनी भूख लग रही है, मुझे अपने हाथ से इतना मजा लग रहा है कि मैं खाई जा रहा हूं। लेकिन बंदा जो बंदा खाना बनाता है उसकी तो भूख ही मर जाती है मारिया। नहीं मेरी नहीं मरी गाइस, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, गलत बात है। मारिया क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, वहां देख रही हूं। ये बार तूतियां क्या बज रही हैं? शादी हो रही है वहां पे हॉल में। अच्छा वैसे तुम्हें एक पर्सनली सही वाली बात बताऊं, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, बाकी यार खाना बहुत जबरदस्त था। है सच में? सच में यकीन करो, मुझे यकीन नहीं था कि मारिया तुम इतना जबरदस्त किस्म का खाना बनाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खाना इतना अच्छा बना, बहुत जबरदस्त है यार वाकई। मैं चले अब ऐसा करेंगे कुछ और भी डिशेस वगैरह हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार कोई चैलेंज करते हैं। हाँ सही है, मतलब गाइस कोई ऐसा चैलेंज करते हैं 24 आवर्स वाला की जिसमे मतलब यस यस ही करना है, बस करवाना है कुछ। अब देखते उमर भाई से करवाते हैं या मारिया मुझसे करवाते हैं, मेरे क्या सोचते हो, इस तरह का कोई प्लान बनाए यार। हाँ, कोई ऐसा चैलेंज करेंगे, कोई ऐसा चैलेंज करते हैं जिसमें मजा आए यार, के मतलब इंजॉय करें, और मैं चाह रहा हूँ कि यार कुछ मजे मजे के ना कोई प्रैंक्स भी होने चाहिए। सही है, इंशाल्लाह। गाइस आप हमें बताइएगा यार कि अगर आप चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट पे बताइएगा कि अगर आप लोग कोई प्रैंक वगैरह चाहते हैं तो हमें कमेंट पे लिख के बताएं कि कौन सा प्रैंक चाहते हैं, वही हम लोग करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई हम अच्छा सा प्रैंक वगैरह आपको करके दिखाएं या 24 आवर्स वाला कोई चैलेंज करके दिखाएं, तो आपने लाजमी जो है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो भाई व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ, अगर व्लॉग हमारा अच्छा लगा तो व्लॉग को भी लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लाजमी, और नेक्स्ट व्लॉग अगले व्लॉग में मजे का व्लॉग लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।